अस्सलाम वालेकुम। रमजान के लिए ये चारों डिश जो बहुत ही ज्यादा ईजी। पहले तो बना लेते हैं बहुत ही चटपटा और चीजी सा नाश्ता, जिसे चिकन लॉलीपॉप या चिकन ड्रमस्टिक जो भी कह लो। सबसे पहले तो प्याज लेंगे हम, एक बड़े साइज का प्याज है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। साथ ही गाजर ले लेना है, दो मीडियम साइज के गाजर को मैंने यूज़ करी हूँ। अब ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। आलू लेंगे, तीन बड़े साइज के आलू थे, इसे बॉईल करके बहुत अच्छे से मैश कर लेना है और उबाल करके ही हमें चिकन यूज़ करना है। इसे मैंने हल्का सा ब्लेंड कर दी हूँ नॉर्मल मिक्सिंग जार में ही, आप फूड प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड करते वक्त हमें इस बात का ज़रूर से ध्यान देना है कि जो चिकन के रेशे हैं वो बिल्कुल भी टूटे ना, बस हल्का सा घुमा के ब्लेंड कर लीजिए। धनिया और पुदीना हाफ हाफ कप है, काफ़ी बारीक कट कर लीजिए। वही ब्लेंड किया हुआ पेस्ट ऐड कर देना है। नींबू आधा पूरा स्क्वीज़ कर लीजिए। नमक 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आप ऐड कर देना है, मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड करी हूँ। मैजिक मसाला एक पैकेट 5 वाली जो छोटी आती है उसे पूरा ही ऐड कर दीजिए। साथ ही धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देना है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और हाँ, दो इंग्रेडिएंट सोडा 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड कर दीजिए। आप मैरिनेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, मैंने नहीं करी। इस तरीके से हमारा जो मिक्सचर है वो होना चाहिए, गीला नहीं हो और रेशेदार परफेक्ट हो, तभी इसका रियल मज़ा आएगा खाने में। हाथों में ऑयल लगा के गोल कर लेना है। फिर उसके बाद सेंटर में थोड़ा सा जगह बना लीजिए चीज़ प्लेस करने के लिए। अगर आप चीज़ वाला नहीं बना रहे हो तो आप ये प्रोसेस, जो ये स्टेप है, वो स्किप कर सकते हैं। स्टिक लगा दीजिए और इस तरीके से हमें हर साइड से कवर कर लेना है। हल्के हाथ से हमें मिक्स करते जाना है। परफेक्ट शेप देने के बाद आप जो एंडिंग में पार्ट बच रहा है उसे बस इस तरीके से नीचे की तरफ हमें खींचना है। हल्के हाथों से करिए ताकि ये ईजिली एक साथ मिला हुआ लगे, ना कि अलग से रखा हुआ। तब इसका लुक जो है वो और ज़्यादा एनहेंस होके आता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में हमें कोट कर लेना है। अंडे में सिर्फ मैंने नमक ऐड करके मिक्स करी हूँ और इस तरीके से परफेक्ट कोटिंग सारे में ही कर लीजिए। उसके बाद हम फ्राई करेंगे, तो गैस की फ्लेम को हाई करके ऑयल को परफेक्ट हीट कर लीजिए। फिर मीडियम कर देना है और सारे को ही ऐड कर दीजिए। अलग अलग बैच करके ऐड करना, एक साथ सारे ही नहीं। जब एक साइड से हो जाए फिर हमें फ्लिप करना है ताकि दूसरे साइड से भी क्रिस्पी होना शुरू हो जाए। और जब ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए फिर हमें इसे रिमूव कर लेना है। और हाँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अंदर से भी ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ी और चटपटा है, आप इसका लुक देख लीजिए। आप इसे सर्विंग यानी डिप कोई भी बना सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ भी किसी लोगों को अच्छा लगता है और केचप के साथ तो काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है। तो चलिए आज बहुत ही यूनिक डिश बना लेते हैं। ये इटालियन डिश है, इसका नाम है चिकन पेस्टो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन के पीसेस ले लेंगे, इस तरीके से लंबे लंबे हमें कट्स कर लेना है। ब्रेस्ट के यानी सीने के पीसेस लेना है और उसे फ्लैट कर लीजिए हल्का सा मारवेयर के। फ्लैट होने के बाद हमें पोक कर लेना है और पूरा होने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी जगह हमें मिल जाएगी फिलिंग रखने के लिए और इजीली फोल्ड भी हो जाएगा ये प्रोसेस करने से। नमक ऐड कर दीजिए, चम्मच वगैरह से नहीं, हमें हाथों से ही स्प्रिंकल करना है ताकि ये इवनली हर जगह स्प्रेड हो जाए। काली मिर्च भी इसी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अभी मैं थोड़े से पीसेस बना के आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पर हम कोट कर लेंगे एक दूसरे से, मतलब हर साइड से एक हिसाब से। और अब धनिया 1 कप, पुदीना 2 कप, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ही लहसुन, काजू और बादाम भी मैंने साथ में ही ली हूँ। आप चाहें तो काजू या बादाम दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं। नमक 1/2 टीस्पून और दही 1 चम्मच ही, बस उससे ज़्यादा अभी नहीं, क्योंकि हमने इसका थिक पेस्ट बनाना है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा थिक पेस्ट बनकर तैयार है, तो इसी में जिसमें हमने बनाए थे उसमें इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। ऐसे स्प्रेड करने से ये होगा कि ये जब हमारा मिक्सचर थिक होगा तो गिरेगा नहीं, इस वजह से जितना हो सके थिक ही रखिए, पर ब्लेंड हो जाए इस बात का आपको ध्यान देना है। शिमला मिर्च और प्याज लेंगे, फिलिंग में थोड़ा सा ही ऐड करना है और चीज़ लेके इसे बीच में ऐड कर दीजिए। चीज़ को हमें ग्रेट करके यानी कद्दूकस करके ही ऐड करना है और जो भी प्याज और शिमला मिर्च ऐड करें उसका अमाउंट काफ़ी छोटा ही रखना है, एक एक पीस में इस तरीके से सिक्योर कर लीजिए। आप चाहें तो बड़े बड़े चिकन के पीसेस रखिए और सारी चीज़ें थोड़े ज़्यादा ज़्यादा ऐड कर देना है, पर एक एक बाइट्स रहेगा तो ये छोटा बनेगा। टूथपिक की हेल्प से हमें सिक्योर ज़रूर कर लेना है।
सारे को बनाने के बाद हमें यहाँ पर डिप की भी देख लेते हैं। तो डिप बनाने के लिए उसी चटनी में हम दही ऐड कर देंगे बहुत अच्छे से फेटी हुई, और इसे मिक्स कर लीजिए। बस हमारी परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी डिप बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है खाने। ऑयल स्प्रेड कर लीजिए, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बटर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ऑयल ज़रूर से ऐड कर दीजिए। पीसेस ऐड कर देना है जब अच्छे से हीट हो जाए ऑयल। पहले हमें फ़्लिप वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है, जब एक साइड से हल्का गोल्डन हो जाए उसके बाद ही हमें फ़्लिप करना है। और हाँ, जो भी बचा हुआ शिमला मिर्च और प्याज होगा ना, उसे भी ऑयल में ऐड कर दीजिए, फ्लेवर रिलीज़ हो जाने दे उसमें। हल्का स्पॉट आना शुरू हो गया है देखिए, फिर हम फ्लिप करेंगे दूसरे साइड से भी हो जाए, और बहुत ही जल्दी हो जाता है ये स्टेप। इस तरीके से लुक हो जाए हर साइड से, तब हमें इसे रिमूव कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, लो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर से कर लीजिए। तुम तो लीजिए, एक और एक रेसिपी आ गई आप लोगों के लिए रमज़ान की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही टेस्टी बनी है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ सब्जियाँ ले लेना है, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। सारे को ही बहुत ही बारीक कट कर लीजिए, क्योंकि इसमें बाइट्स रहने देना है हमें, इतना ही करना है, और बहुत ज़्यादा मोटा ना टेस्ट ख़राब कर देता है। इसी के साथ चिकन ले लेना है, चिकन का कीमा मैंने यूज़ करी हूँ, या तो फिर आप डायरेक्ट मिक्सिंग जार में ऐड करके उसे एक बार घुमा लीजिए। हरी धनिया, हरी मिर्च ले लेना है। अब ऑयल ऐड कर दीजिए एक पैन में, उसके बाद सबसे पहले तो हरी मिर्च ऐड कर देंगे जो बहुत ही बारीक कटा होगा। फिर कीमा ऐड कर दीजिए चिकन वाला, और उसे एक बार मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को अभी हमें हाई रखना है। चिकन तंदूरी मसाला ऐड कर दीजिए 2 चम्मच। नमक ऐड कर देना है 1/2 चम्मच, क्योंकि हम इसमें सॉस का यूज़ करेंगे, इस वजह से नमक को कम रखिए। अब इसे मिला लीजिए एक बार, ताकि और ज़्यादा जो मिर्ची है ना वो जले नहीं। इसी में हमें हल्दी और कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर देना है। कश्मीरी मिर्च ऐड करी हूँ मैंने, लाल मिर्च नहीं। मिक्स कर दीजिए और भून लीजिए, कवर करके इसे छोड़ देना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या विजिट नहीं करे हो तो जल्दी से विजिट कर लीजिए, रेकमेंड हो गया हो तो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती ही रहती हूँ रोज़ ही। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमारे कीमे भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं, देखिए पूरा पानी ड्राई हो गया है ना। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सारी सब्जियाँ। भूनने के बाद ही हमें ऐड करना है सब्जियों की क्वांटिटी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। मैंने 1/2 किलो कीमा ली हूँ चिकन का, और ये सब्ज़ी ली हूँ थोड़ी थोड़ी। 7 से 8 मिनट मैंने इसे कवर करके लो फ्लेम पे पका ली हूँ। बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट नहीं करना होता है सब्जियों को, थोड़ी बाइट्स रहन दे ऐसा पकाना होता है। ये अब मैंने सॉस यूज़ करी हूँ पास्ता वाला, विथ चीज़ के साथ है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेयोनीज़ में क्या होता है ना, वो भी टेस्ट अच्छा कर देता है, पर ये सारी चीज़ से और ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप ये रेसिपी ही ना बनाओ, आप मेयोनीज़ की ऐड कर सकते हैं। सॉस ऐड कर दीजिए, 2-2 चम्मच मैंने दोनों ही ली हूँ, यानी जो पास्ता वाला सॉस था उसे, और रेड केचप जो छोटा किसान आता है। हरी धनिया भी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मायोनीज मैंने ऐड कर दी हूँ, और इसे भी मैंने 2 चम्मच ऐड कर दी, और कश्मीरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अब अगर पास्ता वाला मसाला या सॉस नहीं है आपके पास तो आप उसे स्किप कर लीजिए। बस हमें थोड़े बहुत स्पाइसेस ना और ऐड करना पड़ेंगे, यानी काली मिर्च, चाट मसाला, ये सारी चीज़ आप थोड़ा ऐड कर दीजिए, ताकि अच्छा सा चटपटा बन जाए हमारा मसाला। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, सॉसेस मिलाने तक गैस की फ्लेम को लो रखना है। उसके बाद ऑफ करके कटोरी रख दीजिए, तेल ऐड कर देना है और जला हुआ कोयला ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम इसे धुआं देंगे स्मोकी फ्लेवर के लिए। बहुत ही टेस्टी ये स्टेप ला देता है हमारी रेसिपी में। ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक चलिए डो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली हूँ मैदा, मैदे में ऐड कर दीजिए नमक, तेल, और पहले तो इसे हाथों से ऐसे ही मसलते जाइए 7 से 8 मिनट, बस तेल और नमक को मिलाते जाइए। पानी का यूज़ अभी नहीं करना है, क्योंकि हमें क्रिस्पी चाहिए आउटर लेयर, इस वजह से ये स्टेप कर रहे हैं हम। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान देना है, इसका जो डो है ना वो बहुत ही टाइट होता है, तो आपको इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइट होता है। पर अगर आप इसे गीला वगैरह बना देंगे ना तो इसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है, और ये कुरकुरी जो क्रिस्पीनेस है ना वो भी नहीं होगा। इस वजह से कड़क कड़क थोड़ा थोड़ा पानी लगा के उसे बस ऐसे पंचेस लगाते जाइए। ये देखिए थोड़ी देर के बाद ऐसे डो टेक्स्चर कर लेगा, तब समझ लीजिए परफेक्ट डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है।
थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, और जैसे हम पेड़े वगैरह बनाते हैं रोटी के लिए, बस उसी तरह सेम चीज़ कर लीजिए। और इसे हमें साइज़ इंक्रीज कर लेना है, यानी बेल लेना है थोड़ी ज़्यादा मेहनत से, क्योंकि ये काफ़ी कड़क सख्त डो है ना, इस वजह से। सूखे आटे की हेल्प से इसे हमें साइज़ इंक्रीज कर लेना है और पतला बेल लीजिए। अब शेप दे देंगे, गोल गोल शेप देना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना साइज़ कोई भी कर सकते हैं, यानी बड़ा छोटा जो भी बर्तन हो, या अगर शेप वाला कुछ भी हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें कट कर लेना है इस तरीके से। आप कट करने का मेथड देख लीजिए, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेप देने में। इस तरीके से एक्स बना लेना है हमें, और बीच में ना थोड़ी जगह छोड़ देना है। ये देखिए, बीच में थोड़ी जगह छोड़ के और ऐसे एक्स बना लीजिए, और फिर इस तरीके से कट्स लगा देना है लंबे लंबे, और एकदम एंडिंग तक नहीं करना है। ये देखिए, थोड़ी एंडिंग तक रख के हमें इसमें कट्स लगा देना है। ये आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। और अब फिलिंग ऐड कर दीजिए, जहाँ पर हमने कट्स नहीं लगाए हैं उसमें फिलिंग ऐड कर देना है। और एक चीज़, आप ना इसकी साइज़ बड़ा बड़ा बना लीजिए, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत छोटे में बनाई, उसके बाद बड़ी बड़ी साइज़ का ही बना ली थी ये शेल्स पूरे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट उसी से आता है। जब फीलिंग अच्छी होगी तभी तो खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वजह से अब ऊपर से उठा के इसे स्टिक कर लीजिए, यानी अपोजिट जो है ना वो दोनों सादा रखना है, और इस साइड वाला अपोजिट को उसमें हमें ऐसे कट्स लगा देना है स्ट्रिप वाली, और फिर पानी लगा दीजिए कोने में और स्टिक कर लीजिए। अब एक साइड से उठाएंगे, उसे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, ऊपर वापस से पानी लगा के उसे स्टिक कर लीजिए, फिर अपोजिट वाले को उठा के ट्विस्ट करके सेम चीज़ करते जाना है, और पानी से उसे स्टिक करते जाना है। एक्स बनते चले जाएगा, ये देखिए, और हमारा शेप भी बनते चले जाएगा। परफेक्ट पूरा बन गया है। उसके बाद ना एक बार आप पूरी जगह से उसे प्रेस कर लीजिए, यानी कहीं से भी खुला ना रहे, बस हल्के हाथ से उसे प्रेस करते चले जाना है। फिर हमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी एकदम टॉप पर, और काला तिल या तो फिर कलौंजी ऐड कर दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसे हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। बस इसी तरीके से सारे शेल्स को बनाकर रेडी कर लेना है। यहाँ पर देखिए, मैंने साइज़ इंक्रीज करके वही सेम चीज़ बनाई हूँ, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग थोड़ा ज़्यादा आ जाता है तो खाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ऑयल हीट कर लीजिए। परफेक्ट हीट होने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम पे ही हमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देना है। ठीक है, पहले बहुत ही अच्छे से गर्म कर लीजिए तेल को, फिर लो फ्लेम करके इसे ऐड कर देना है, और ऐसे ऐसे हल्का हल्का थोड़े थोड़े देर में घुमाते रहिए, और फ्लिप भी करते रहना है हमें इसे, जैसे हम समोसा वगैरह फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है क्योंकि ऐसी सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। अब हमें इसे निकाल लेना है, और थोड़ा सा छन्नी में रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए। फिर कर लेंगे इसे सर्व, और सर्व करने के लिए आप सॉस का यूज़ करिए, जो नॉर्मल टमाटो केचप वाला सॉस होता है ना, बस बहुत ही टेस्ट एनहांस कर देता है। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी वाला चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही जूसी रहता है अंदर से और काफ़ी टेस्टी होता है, इसे आप स्टार्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हंग कर लेना है, यानी गाढ़ी दही, बस उसे छन्नी में रख देंगे, काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हरी मिर्च ले लीजिए, इसी के साथ बादाम ले लेना है, और लहसुन ले लीजिए। अब ये तीनों चीज़ को हमें ब्लेंड कर लेना है, पर पहले पानी का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे ही ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड होने के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है दूध के ऊपर जमी मलाई या तो फिर फ्रेश क्रीम, 2 चम्मच ऐड कर दीजिए। इसी के साथ दही ऐड कर देना है, जो गाढ़ी वाली होगी, बस इसका हमें ध्यान देना है कि थिक कर्ड ही हमें यूज़ करना है। अब हमें यूज़ कर लेना है इसी में सोया सॉस, डार्क सोया सॉस का मैंने यूज़ करी हूँ 2 चम्मच, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। चीज़ ऐड कर दीजिए, जो बड़े चीज़ एक क्यूब वाली होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे एक या तो फिर 2 ऐड कर दीजिए। कट करके इसी में ऐड कर देना है, क्योंकि हमें इसे ब्लेंड ही करना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं ग्रेटर की हेल्प से। अब गरम मसाले ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। इसी के साथ काली मिर्च ऐड कर दीजिए 1/2 टीस्पून।
ये सारी चीज़ों को हमें ब्लेंड कर लेना है। ये कुछ खास मसाले हैं जो बहुत ही टेस्ट ला देते हैं हमारे रेसिपी में। देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, विजिट करिए चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है और रोज़ ही वीडियो आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, यानी थिक होना चाहिए। छोटे छोटे चिकन के पीसेस लेंगे हम और उसमें ऐड कर देंगे यही मसाला। मैं यहाँ पर सीख बना रही हूँ तो इस वजह से मैं ब्लेंड करूँगी। आप अगर बोटी वगैरह बना रहे हैं, स्टिक बना रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वही बोटी में ये सारे मसाले को कोट करके सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस इसे ब्लेंड नहीं करना है। अगर आपको ये मेहनत नहीं करना है ब्लेंड करने वाली, तो ये सारे मिक्सचर को हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा पोषण लेके हमें इसे शेप दे देना है। ये हल्का सा गीला होगा तो इस वजह से हमें हाथों में शेप देना है इसे, ऐसे जल्दी जल्दी करके नहीं, हाथों में रख के उसे शेप देते जाइए। ये देखिए, और फिर जिसमें भी आप बनाना चाहते हो या फ्राई करना चाहते हो डायरेक्टली उसी में ऐड करते जाइए। और ये जो स्टेप है इसे आप डायरेक्टली फटाफट करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप इसे पहले बना के रख दो उसके बाद उठा उठा के रखो, तो इस वजह से जैसे ही ख़त्म हो जाए फिर वापस से हाथों में इस तरीके से बना के शेप देके आप उसे रख दीजिए। ये अंदर से बहुत ही जूसी होता है और काफ़ी अलग टेस्ट है इसका, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी है। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे प्लेस कर देना है। जैसे ही हल्का गर्म हो जाए पूरा पैन, फिर हमें ऑयल ऐड कर देना है साइड से थोड़ा थोड़ा, चेक करेंगे हल्का गोल्डन टर्न हो जाए तब हम इसे फ्लिप कर देना है बहुत ही आराम से। बस एक बार कड़क हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसे आराम से फ्लिप कर सकते हो, पर थोड़ा टाइम के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप दूसरी बार भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, पर मुझे तो नहीं लगी, मैं एक ही बार ऐड करी हूँ और सारे पीसेस बना के रेडी कर ली हूँ। ये देखिए, हर जगह से परफेक्ट गोल्डन टर्न हो गया है और आराम से इसे हम फ्लिप भी कर पा रहे हैं। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रख देना है और इसे परफेक्टली कुक कर लेना है। उसके बाद चेक कर लीजिए, फिर हमें इसमें चीज़ ऐड कर देना है। आप चाहें तो पैन में डायरेक्टली चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, या तो फिर चीज़ वेस्ट नहीं करिए, डायरेक्टली प्लेट में जिसमें भी आप सर्व कर रहे हैं उसमें ऐड कर दीजिए और उसके ऊपर से ग्रेट कर लेना है इस तरीके से। हरी धनिया ऐड कर देना है और सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए, चलिए विजिट करिए चैनल पर। बाय, अल्लाह हाफिज़।